Very good morning, students. Let me start our next topic of प्रोटिस्टा किंगडम. मैंने कल आपको जो वीडियो दिए थे उसमें प्रोटिस्टा किंगडम का हमने क्लासिफिकेशन देखा था. उसमें तीन ग्रुप हमने बताए थे कि तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर देते हैं प्रोटिस्टा किंगडम को. फर्स्ट जो ग्रुप था वो था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एंड सेकेंड था स्लाइम मोड्स, एंड थर्ड था प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. तो फर्स्ट ग्रुप जो प्रोटो सिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिनको प्रोटिस्टियन एल्गी भी बोलते हैं, इनके बारे में जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनके, कि जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं ना, मेनली यूनिसेलुलर होते हैं. कैसे होते हैं? मेनली यूनिसेलुलर. इनको यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, एक ही सेल्स के बने होते हैं. एंड फोटोसिंथेटिक इसलिए बोला है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है, एंड एल्गी भी इसलिए बोला है क्योंकि एल्गी की तरह इनका स्ट्रक्चर जो होगा, कुछ फीचर्स जो होते हैं एल्गी जैसे मिलते हैं इनके अंदर, जो फीचर्स मिलेंगे ना करैक्टरिस्टिक्स एल्गी से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टियन एल्गी बोल देते हैं. ठीक है, एंड ये कैसे होते हैं? भाई एक्वाटिक होते हैं. एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर मिलते हैं, वाटर के अंदर मिलेंगे. ठीक है, एंड बॉडी इनकी सिंपल होगी. इनकी बॉडी को क्या बोलेंगे? थैलोइड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? थैलोइड. ये जो थैलोइड बॉडी होती है, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं. जैसे अल्गी की बॉडी को हम थैलोइड बोलेंगे, तो ऐसी बॉडी जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं बनते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखती है, कुछ फीचर्स नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको हम थैलोइड लाइक बॉडी होगी इनकी. एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं. कुछ एक ऐसे होते हैं बहुत बड़े भी होते हैं, जॉइंट साइज के भी होते हैं, बहुत बड़े साइज के. देयर आर ऑल प्लेस इन द सिंगल ग्रुप. ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटिस्टेंट. ये तो जनरल, थोड़े से जनरली जो मैंने आपको बात बताई है. इसके अलावा जो पहला जो है इनमें प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो तीन ग्रुप हमने बनाए हैं, ठीक है, फर्स्ट आ जाता है हमारा डाइनोफ्लाजिलेट्स. कौन सा आ जाता है? डाइनोफ्लाजिलेट्स. ठीक है, डिवीजन इसका क्या है? पायरोफाइटा. ठीक है, अब देखो डाइनोफ्लाजिलेट्स के हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ये जो डायनोफ्लाजिलेट्स है ना, ये प्रोटिस्टन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंडर ही आते हैं. इनको हम तीन ग्रुप होंगे इसके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के. तो डायनोफ्लाजिलेट्स होगा, दूसरा हम इसके अंडर पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे डाइएटम्स, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे युग्लिना. ठीक है, ये तीनों डायनोफ्लाजिलेट्स, डाइएटम्स एंड युग्लिना, वो हम किसके अंडर रखेंगे? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंडर रखेंगे. ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसको हमने तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया. डाइनोफ्लाजिलेट्स का फर्स्ट ग्रुप है जिसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहेंगे. ठीक है, दिस ये जो है ना, इसका जो पहला जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इसमें जो भी एनिमल रखे गए हैं वो यूनिसेलुलर हैं. कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, मतलब सिंगल सेल्ड हैं, एक ही सेल्स के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? एक साइज के बने होते हैं. एंड इनको हम गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल्डन ब्राउन कलर का होता है इनका पिगमेंट, इस टाइप का प्रेजेंट होता है, तो इसमें इस टाइप की हमें दिखाई देते हैं. फोटोसिंथेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है, कुछ एक कहते हैं कि मोटाइल भी होते हैं. मोटाइल मतलब इनके ऊपर फ्लाजिला प्रेजेंट होंगे जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ठीक है, एंड इस टाइप्स के मोमेंट्स को जिस मतलब फ्लाजिला के हेल्प से मूव कर सकते हैं, तो इस टाइप्स के मोमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप्स का मोमेंट्स करते हैं ना फ्लाजिला की हेल्प से मूव करते हैं, तो इस वजह से इनको एक नाम देते हैं वर्लिंग विप्स. क्या बोलते हैं इनको? वर्लिंग. ठीक है, अब कहता है कि इस ग्रुप के अंडर लगभग कितने स्पीसीज हैं?
थाउजेंड स्पीसीज हैं, कितने हैं, थाउजेंड स्पीसीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मराइन, बहुत सारे, ज़्यादातर इसके अंदर जो लगभग थाउजेंड्स के करीब हम स्पीसीज इसके अंडर रखते हैं, लगभग सारे कैसे हैं, मराइन, मराइन मतलब सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, ये सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, एंड कुछ एक फ्रेश वाटर भी हैं, फ्रेश वाटर मतलब जो बगैर साल्ट का पानी जो होता है ना, विदाउट साल्ट वाटर, ठीक है, उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं, तो उनके अंदर भी मिलते हैं ये, एंड कहते हैं कि मेजोरिटी वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डायनोफ्लाजिलेट्स, वो प्लैंक्टोनिक होते हैं, प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत साइज में बहुत छोटे होंगे, और पानी के ऊपर वाले जो सरफेस है ना उसके ऊपर वो तैरते हुए फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टोनिक, ठीक है, एंड सम ऑफ देम कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनमें स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनमें से एक है जिसका एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका नाम है गाइनोलोक्स, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जब ग्रुप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर पानी में या किसी समुंदर में, तो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, मतलब पूरा जो समुंदर है ना वो रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग उसका हो जाता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, रेड टाइड, क्या बोलते हैं इसे, रेड टाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल रेड कलर का कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यदि इसकी कंसेंट इसकी जो अमाउंट है गाइनोलोकस की ये किसी समुंदर के पानी में ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से उस समुद्र का पानी पूरा क्या दिखाई देता है, हमें लाल रंग का दिखाई देता है, जिसकी वजह से गाइनोलोक्स को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा डायनोफ्लाजिलेट्स का,